तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि मैं आप लोग को बताऊंगी पबजी मोबाइल कोरियन और ग्लोबल विदाउट वीपीएन कैसे खेलते हैं। तो विदाउट एनी देरी चलते हैं फटाफट से वीडियो पे। तो जैसे ही आप सब देख सकते हो, यहाँ पे है मेरा आईफोन, मेरा iOS डिवाइस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पबजी कोरियन वर्जन आपको डाउनलोड कैसे करना है अपने iOS डिवाइस में। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐप स्टोर पे जाना है। ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको आपका एप्पल आईडी प्रोफाइल दिखेगा, वहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ आपका नाम और आईडी आ रही होगी वहाँ पे क्लिक करना है। और इधर आपको मैनेज पेमेंट्स के नीचे कंट्री एंड रीजन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको चेंज कंट्री और रीजन पे जाना है। उसके बाद आपको पबजी कोरियन के लिए लगेगा कोरियन रीजन, तो कोरिया रिपब्लिक ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको एग्री करना है। उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, तो यहाँ पे आप नन पे क्लिक करना और जो स्ट्रीट वगैरह है वो आप कुछ भी भर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी कुछ भी भर दो। और यहाँ पे सिटी एंड प्रोविंस में आपको सियोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल कोड आपका लगेगा 100-011 और फ़ोन नंबर आप कुछ भी टाइप कर दो। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो ऐप स्टोर का रीजन है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पबजी केयर, अगर पबजी भी करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका पबजी केयर, मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए मेरे को यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पबजी केयर है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको दो स्टेप और लगेंगे, तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा वाईफाई का डीएनएस चेंज करना। तो आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, आपका जो भी वाईफाई है उसकी सेटिंग्स में जाना है। एंड यहाँ पे आपका जो कॉन्फिगर डीएनएस सेकेंड लास्ट ऑप्शन है उसको आपको करना है मैनुअल, आपका ऑटोमेटिक पे होगा, आपको उसको मैनुअल पे करना है। और दो डीएनएस सर्वर ऐड करने हैं, 8.8.8.8 एंड जो सेकेंड रहेगा वो रहेगा 8.8.4.4। तो जैसे ही आपने डीएनएस अपना चेंज कर लिया उसके बाद आपको एक वीपीएन लगेगा। तो थर्ड स्टेप में आपको जो वीपीएन लगेगा वो लगेगा वीपीएन सुपर अनलिमिटेड, ये आपको फ्री में मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। तो मैं अपना लोगो और वीपीएन का नाम दिखा देती हूँ, ये लोगो है और ये नाम है, फ्री है बिल्कुल। तो अब आपकी जो डीएनएस एंड वीपीएन है वो भी सेट हो चुके हैं। अब हमें जाना है गेम की तरफ, तो गेम हमको ओपन करनी है, उसके लिए हमें वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। तो गेम आपको ओपन करने के लिए और लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी वीपीएन लगेगा। तो यहाँ पे फास्टेस्ट लोकेशन सिंगापुर की या जो भी आएगी उस पर आप कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरा जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुका है, अब हम अब गेम ओपन करेंगे। तो देखते हैं चलो गेम ओपन होती है या नहीं। हो तो जाएगी क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रही हूँ दिन से, तो मतलब मेरी गेम ओपन हो रही है, पर अब दिखाना पड़ेगा ना सब, नहीं तो फिर बोलेंगे कि स्किप विप कर दिया बीच में, स्कैम है कुछ, तो हमारा तो ओपन नहीं हो रहा था, समझ रहे हो। तो सब जो है ट्रांसपेरेंट रखेंगे एकदम सामने। लोडिंग हो रहा है, एक तो ये डायनासोर भाई साहब, चारे डायनासोर। ओ माय गॉड, बातों बातों में हमारी गेम भी ओपन हो चुकी है यहाँ पे, मस्त। लेकिन अभी वीपीएन ऑन है जिससे हमारी गेम में जो पिंग है वो हाई आएगी। तो हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और जो यहाँ से वीपीएन हमने ऑन किया था उधर से ही बहुत प्यार से हमें ऑफ करना है, वीपीएन हमारा ऑफ। अब हम वापस गेम में जाएंगे और देखेंगे क्या हमारी गेम चल रही है। गेम हमारी चल रही है अभी, मेरी फ्रेंड लिस्ट वगैरह सब दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे एक ग्लोबल भी चैट भी आ रही है। क्या बात, क्या बात, इजी था, कुछ नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको गेम ओपन करनी है ना, वीपीएन ऑन ही रहेगा, विदाउट वीपीएन गेम ऑन नहीं होगी। आप गेम ऑन करके अपना वीपीएन जो है वो आप ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट वीपीएन चाहिए सिर्फ गेम ऑन करने के लिए। तो ये था बहुत सिंपल सा एक स्टेप पबजी मोबाइल कोरियन खेलने का इन iOS।
अब हम दिखाते हैं एंड्रॉयड में कैसे करना है। एंड्रॉयड में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं तुम लोग के सामने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी। तो चलो एंड्रॉयड की तरफ। तो गाइज अब बारी है एंड्रॉयड डिवाइसेस की। तो यहाँ पे है मेरे पास मेरा सैमसंग फ्लिप। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अब पबजी कोरियन कैसे डाउनलोड करना और खेलना है विदाउट वीपीएन। तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है अप टू डाउन APK। सबसे ऊपर जो लिंक आएगा अप टू डाउन ऐप स्टोर, यह आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे जब आपका वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जाना है डाउनलोड ऐप में, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ऐसे इंटरफेस में आपको सर्च करना है पबजी KR। वहाँ पर सबसे ऊपर पबजी मोबाइल और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा KR, तो मतलब कोरियन वर्जन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड पे लगाना है। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड पे लगा दिया था क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगाएगी अभी डाउनलोड होने में। तो हम आपको सीधा डाउनलोड के बाद मिलते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो गेम है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। जैसे ही वो आप इंस्टॉल करते हो फिर आपको आएगा यहाँ पे प्ले बटन। तो यहाँ पे आपको प्ले बटन अभी नहीं करना है, अभी इससे पहले एक काम बाकी है जो कि है आपका मेन VPN। तो VPN जो है वो मैंने डाउनलोड किया है 1.1.1.1। तो बहुत अच्छा VPN है, फ्री है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। फिर ये कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, वो सब आप एक्सेप्ट करके उसको कनेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको अपनी गेम पे जाना है जो आपकी कोरियन गेम डाउनलोड हुई है, और यहाँ पे आपको गेम ऑन करनी है। क्या लगता है गेम ऑन हो पाएगी? मेरे ख्याल से तो हो जाएगी, पर लेट्स सी। तो यहाँ पे जैसे आपकी गेम ऑन होगी आपका यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा, फिर आपके रिसोर्स डाउनलोड होंगे। तो काफ़ी टाइम लगेगा लोडिंग में, आपको रिसोर्सेज भी डाउनलोड करने पड़ेंगे 500 MB कुछ। तो वो सब तो मैंने कर लिए थे, इसका गाना भी यहाँ पे बज चुका है। यहाँ पे जो कंपाइलिंग रिसोर्सेज हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने में, तो मैं ये पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्स हैं वो 95% हो चुके हैं, तो जल्दी हमारी गेम भी ऑन हो जाएगी। ये होने के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक, जीमेल और ट्विटर वगैरह का लॉगिन करने का आएगा डिटेल। तो आप अपनी आईडी लॉगिन कर देना, उसके बाद आपकी जो गेम है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी पिंग आपको लेफ्ट में येलो दिखाएगा, तो इसके लिए आपको फिर वही करना है जो मैंने iOS में भी बताया था कि आपको अपना जो VPN है वो अब डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है हमारा VPN, अब हम फिर से गेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो गेम है थोड़ा सा टाइम लगेगी रिफ्रेश होने में। तो यहाँ पे जो गेम है हमारी रिफ्रेश हो चुकी है, और इधर फिर से हमारी गेम जो है वो चल रही है विदाउट VPN। तो आपको VPN की जरूरत सिर्फ गेम ओपन एंड लॉगिन करने में ही चाहिए। यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है यार, नहीं कर रहे सब न्यू आइडिया, तो इसने दिखा रहा है। तो अब आप देख सकते हो नीचे लेफ्ट में, एशिया के लेफ्ट में आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी पिंग अच्छी है। तो अब आप अपनी गेम खेल सकते हो विदाउट VPN एंड गुड पिंग पे। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।